अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ चावल के मुरकुल, जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और मज़े में भी बहुत अच्छे रहते हैं। हम हमारी जो हल्की फुल्की जो भूख मिटा सकते इससे। चलिए हम शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चावल का आटा लेंगे, खुले बर्तन में हम डालेंगे इसे। चावल के आटे को हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं। चावल को 2-3 घंटे के लिए भिगा कर सुखा देना, वो जब सूख जाता तब हम इसे ग्राइंडर में पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। 1 किलो चावल का आटा ली हूँ मैं और 1 कप बेसन लेंगे। तिल डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। अजवाइन डालेंगे 1 टेबल स्पून। ज़ीरा 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। चुटकी भर सोडा डालेंगे। अब हम इन सबको मिला लेंगे। ये देखिए, सब ड्राई मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट 2 टीस्पून, ये घर में पिसा हुआ हरी मिर्ची है। अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे 3 टेबल स्पून। तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून। करियापत्ता डालेंगे, थोड़ा सा करियापत्ता ला लेंगे और इसे बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम फिर से इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे भिगा लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा भिगाते बस वैसे ही, और थोड़ा पतला भिगाना। ये देखिए, मुरकुलों के लिए आटा भीग चुका है। अब हम जब तक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। मैं ये, मेरे पास ये सांचा है, इसमें मैं तेल से तेल लगा रही हूँ अंदर। आप चाहे, अगर सांचा नहीं है तो दूध की जो पॉलीथीन रहती है, दूध की पैकेट, उसमें भी डाल के बना सकते। अब हम सांचे में आटा डालेंगे और तेल चेक कर लेंगे गरम हुआ नहीं। देखिए तेल गरम हो चुका है। इसी तरह हम सारे मुरकुलों को बना लेंगे। दो तरफ अच्छे से हम इसे तल लेंगे। ये देखिए, दो साइड पे भी अच्छा ब्राउन हो गई है, ज़्यादा जलाना नहीं। ये देखिए, चावल के मुरकुल बनके तैयार है। ये बहुत अच्छे, देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं। इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए टेस्ट में भी बहुत मज़े के रहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब के बगैर मत जाइए। अल्लाह हाफिज़।